इस सर्किल की रेडियस आर है, तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द गिवन डायग्राम, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू गिवन डायग्राम। ठीक है, एट सेंटर ओ, ओ पर निकालनी है, और ओ इस आर्क का क्या है, सेंटर है। कैसे करेंगे बच्चों? हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं ये करंट ऐसे आएगी और यहां से इस तरीके से चली जाएगी। अब बच्चों हम यहां से क्या करेंगे, पहले इस पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन का निकालेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड है। तो इस आर्क की मैग्नेटिक फील्ड प्लस इस स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। बच्चों सबसे पहले तो नेमिंग ए सी डी, ठीक है। अब बात कीजिए, आपको पता है जब नीचे एंगल 2 थीटा है तो ऊपर का एंगल कितना होगा, पहले बताइए। ऊपर का एंगल हुआ 2 पाई माइनस 2 थीटा, क्यों? किसी सेंटर पे टोटल एंगल क्या होता है, 360 मींस 2 पाई, तो 2 थीटा चला गया तो ऊपर कितना बचा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर पार्ट ए सी डी। अच्छा अभी मैंने समझाया कि अगर कोई आर्क थीटा एंगल पे बना रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कोई भी डायरेक्शन लो क्या फर्क पड़ता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, जहां ए उसकी रेडियस है, आर मान लो तो आर रेडियस है, जो भी मानना है, ठीक है, इनटू थीटा। ये हमने फार्मूला अभी अभी डिराइव कर लिया है। जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, क्योंकि आर रेडियस है इसकी, और एंगल, एंगल कितना है, 2 पाई माइनस 2 थीटा। अच्छा 2 पाई माइनस 2 थीटा, अगर मैं यहां से 2 बाहर ले लूं तो बी डैश क्या बचेगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर पाई माइनस थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू डीए वायर, डी एक स्ट्रेट वायर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहां से ये एंगल सेम हो जाते हैं तो ये कितना बचेगा, थीटा, ये भी क्या बचेगा, थीटा। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये थीटा थीटा हो गए बच्चों तो इसको नाम दे दें कुछ, ई कह देते हैं। अब आपको OE निकालनी चाहिए, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट वायर का जिसका एंगल इधर से फाई वन और इधर से फाई टू बनता था उसका मैंने फार्मूला आपको पढ़ा दिया है, क्या पढ़ाया, म्यू नॉट, कल पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ये डिस्टेंस बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो बच्चों सब कुछ तो दिख रहा है, बस ए मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिख रही,
तो OE पहले फाइंड कर लीजिए। OE कैसे निकलेगी? तो इंटेंगल OED, कौन सा? OED। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? ओ साइन तो लगेगा नहीं, अच्छा कॉस लगा लो। क्यों? क्योंकि आपको बेस निकालना है और आपको हाइपोटेन्यूस पता है, ये पता है ना, आर रेडियस इधर चाहे इधर हो आर ही रहना है, तो कॉस थीटा क्या आएगा? बेस OE अपान हाइपोटेनियस OD। क्यों? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू OE अपान आर। तो OE कितना हो गया? आर कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दो। तो बी डबल डैश कितना बनेगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई, देखो फार्मूले को, आई अपान OE साइन थीटा प्लस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ एंगल थीटा बनना। तो बी डबल डैश कितना बचेगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर कॉस थीटा और इंटू 2 साइन थीटा। 2 से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई टेन थीटा अपान आर। ये बी डबल डैश आया। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या करेंगे बच्चों? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? बी डैश प्लस बी डबल डैश। बी डैश कितना आया? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर पाई माइनस थीटा। बी डबल डैश कितना आया? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर टेन थीटा। सॉल्व कर लीजिए, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर पाई माइनस थीटा प्लस टेन थीटा, दिस इज द आंसर।